नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और NCD IPO के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ओपन हो चुका है आज, और वो लेके आया है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। अब हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इस NCD IPO के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इशूअर है। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सिक्योर रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ये है। सीनियरिटी सीनियर है, सीनियर सिक्योर बॉन्ड है। लिस्टिंग NSE और BSE दोनों ही एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग होगी। बॉन्ड बेस इशू साइज तो 100 करोड़ का बेस इशू साइज है, और इशू साइज है यहाँ पे 200 करोड़ का, और इशू प्राइस है यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर NCD, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपीज़ एंड इन मल्टीपल ऑफ 10,000 रुपीज़ सॉरी इन मल्टीपल ऑफ 1,000 रुपीज़। मिनिमम 10,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और या तो फिर 1,000 के मल्टीपल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, 11,000, 12, 13, 14 कितना भी आप कर सकते हैं। दो रेटिंग एजेंसीज की यहाँ पे रेटिंग है, दोनों ही AA स्टेबल की रेटिंग दी है, क्राइसिल और इकरा की। और बाकी हम यहाँ पे इशू ओपनिंग डेट देखें तो इशू ओपनिंग डेट है आज 10 जुलाई और क्लोज होगा ये 21 जुलाई को। और मोड ऑफ अलॉटमेंट डीमेटेलाइज्ड ओनली, यहाँ पे कोई मेटेलाइज्ड अलॉटमेंट नहीं होगा। अलॉटमेंट होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, पहले आओ पहले पाओ बेसिस पे होगा, और डिपॉजिटरीज NSDL एंड CDSL रहेंगी। और सीरीज की बात करें तो कितनी सीरीजों में ये बॉन्ड अवेलेबल है, तो ये बॉन्ड अवेलेबल है हमको 8 सीरीज में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अलग, तो सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट यहाँ पे यील्ड है सबसे ज़्यादा बॉन्ड 7 जो है, 60 मंथ्स का ये बॉन्ड है, और पेमेंट फ्रिक्वेंसी ईयरली होगी इसमें, और डिविडेंड यील्ड है इसमें 10.14 इंटरेस्ट यील्ड है। और वहीं पे सीरीज 8 भी सेम यील्ड मिलेगी, लेकिन यहाँ पे पेमेंट फ्रिक्वेंसी मंथली। अगर आपको ईयरली पेमेंट फ्रिक्वेंसी चाहिए तो आप सीरीज 7 में जा सकते हैं, और मंथली चाहिए तो सीरीज 8 में जा सकते हैं। बाकी भी आप सीरीज यहाँ पे देख सकते हैं। 3 टेन्योर पे ये है, 24 मंथ, 36 मंथ और 60 मंथ। आप यील्ड के अकॉर्डिंग और अपनी पेमेंट फ्रिक्वेंसी और टेन्योर के अकॉर्डिंग अपना बॉन्ड चूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एलोकेशन रेशियो देखें तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए है 30% और इंस्टीट्यूशनल के लिए 30, नॉन इंस्टीट्यूशनल 10% और HNI के लिए 30% यहाँ पे अलॉटमेंट एलोकेशन रेशियो है। अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स हम देखें तो लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल्स आपको दिख रहे हैं। आप और भी फाइनेंशियल देख सकते हैं और अपनी रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे 5 साल के ही फाइनेंशियल्स हमको दिख रहे हैं, तो 5 साल में अगर हम पैट देखें तो 5 साल में लगातार पैट बढ़ ही रहा है, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर से जो सेकंड लास्ट था उससे थोड़ा पैट यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, और रेवेन्यू में भी यहाँ पे गिरावट हुई थी, और नेटवर्थ में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को हमको मिल रही है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम यहाँ पे गोल्डन पाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ गोल्डन पाई से देख सकते हैं और बॉन्ड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं गोल्डन पाई के प्लेटफॉर्म से ही। यहाँ पे NPA देख सकते हैं आप, जैसे ये NBFC है तो नेट NPA देख सकते हैं, बैलेंस शीट कितनी 1,000 करोड़ की इनकी बैलेंस शीट है, नेटवर्थ, एसेट अंडर मैनेजमेंट और लोन बुक कितनी है, बोरोइंग्स कितनी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडुकेशन रेशियो है, लो गियरिंग, हेल्थ, लिक्विडिटी और अलग अलग चीज़ें आप की पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके और अपनी खुद की रिसर्च करके आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे गोल्डन पाई के प्लेटफॉर्म पे जैसे ही लॉग इन करेंगे आपको यहाँ पे बॉन्ड दिख जाएगा। आप यहाँ पे जाएंगे NCD IPOs में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का दिख जाएगा।
आप यहाँ पे व्यू सीरीज में क्लिक करके अपनी सीरीज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सीरीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे सीरीज सेलेक्ट कर लेते हैं, सीरीज 8। यहाँ पे यील्ड है 10.14, मंथली पेमेंट फ्रिक्वेंसी है और टेन्योर 60 मंथ्स का है, मतलब 5 साल का टेन्योर यहाँ पे है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम यहाँ पे अपना कैश फ्लो देख सकते हैं। मान लीजिए हम 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे इंटरेस्ट अर्निंग होगी यहाँ पे 27,749 रुपीज़। और कैश फ्लो हम देखें तो मंथली हमारी कितनी, यहाँ पे आप देख रहे हैं 786 रुपीज़ आपकी मंथली इनकम इसमें होगी, और टोटल आपकी ओवरऑल 27,749 रुपीज़ यहाँ पे इनकम होगी। अप्लाई नाउ में आप क्लिक करके इस बॉन्ड में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये डिटेल्स तो हमने पहले ही देख लिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यील्ड टू मैच्योरिटी और टेन्योर, पेमेंट टर्म, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। और आप अच्छे से रिसर्च करके इसमें कंपनी के बारे में, इस बॉन्ड के बारे में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।